दो बेस्ट फ्रेंड्स प्रिया और निकी एक ही ऑफिस में काम करती थी और एक ही साथ रहती थी। वो अक्सर ऑफिस के बाद लेट नाइट मूवी शोज देखने चली जाया करती थी। हमेशा की तरह वो मूवी देख के घर लौट रही होती है, मगर इस बार जो टैक्सी हायर करती है उसका ड्राइवर उनसे अजीब तरीके से बातें करने लगता है। जमाना बहुत खराब है, क्या आप लोग अकेली रहती हैं? क्या आपकी फैमिली को पता आप मूवी देखने आई हैं? इस तरीके की बातों से प्रिया और निकी थोड़ा घबरा जाती हैं। उन्हें ड्राइवर की नीयत ठीक नहीं लगती। वो आपस में डिस्कस करती हैं कि वो यहीं उतर जाती हैं और दूसरी टैक्सी कर लेंगी। वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती हैं, मगर ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। वो कहता है, मुझे पता आपका घर यहाँ नहीं है, आप मुझसे डर के यहाँ उतर रही हो, मैं आप लोगों को आपके घर तक छोड़ूंगा। गाड़ी से उतरने के बाद वो उन्हें नसीहत देता है कि लेट नाइट मूवी शोज ना देखा करें, दिन में मूवी दिखाया करें। उन्हें अजीब तरीके से घूर रहा होता है। उसके जाने के बाद प्रिया और निकी उसी के बारे में डिस्कशन करने लग जाती हैं कि किस तरीके का ड्राइवर था, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो ये बातें कर ही रही होती हैं कि उनके घर की बेल बज जाती है। कितनी लेट नाइट बेल सुनकर वो हैरान हो जाती हैं, कितनी रात को उनके घर कौन आ गया। बाहर जाके दरवाज़ा खोल के देखती हैं तो कोई भी नहीं होता। आसपास जाके भी दोनों देखती हैं, मगर उन्हें अपने घर के आसपास कोई नज़र नहीं आता। हैरान होकर अंदर आती हैं। उसके बाद इस तसल्ली से सो जाती हैं कि शायद किसी ने गलती से बेल बजा दी होगी। कुछ देर तो निक्की को नींद नहीं आती है, क्योंकि वो उसी ड्राइवर के बारे में सोच रही होती है कि कहीं उस ड्राइवर ने तो बेल नहीं बजाई। लेकिन फिर वो सो जाती है। अभी उन्हें सोए कुछ देरी हुई होती है कि निक्की की एकदम आँख खुल जाती है। उसे ऐसा एहसास होता है कि उस कमरे में कोई है जो उन्हें देख रहा है। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है, वहाँ वही टैक्सी ड्राइवर गुस्से में खड़ा उन्हें देख रहा होता है। निक्की इतना घबरा जाती है कि वो प्रिया को डर के मारे उठा नहीं पाती और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद निक्की फौरन प्रिया को उठाती है कि प्रिया उठो, निक्की का डर से बुरा हाल होता है। प्रिया उठ के पूछती है, क्या हुआ निक्की? कि हमारे रूम में वो टैक्सी ड्राइवर है, मैंने उसको अभी देखा, यहीं सामने खड़ा था, वो गुस्से से हमें घूर घूर के देख रहा था, मैं डर के मारे तुम्हें उठा नहीं पाई, मैं उसे देख ही रही थी कि वो गायब हो गया। प्रिया इधर उधर देखती है, उसको लगता है निक्की को शायद वहम हुआ है या शायद उसे सपना देखा है। उसकी तसल्ली के लिए उठकर कमरे में चारों तरफ जाके देखती है और आके बोलती है, निक्की यहाँ कोई नहीं है, मुझे लग रहा है तुमने कोई सपना देखा है। अक्सर जिन बातों को सोचते हुए हम सोते हैं, वैसे ही सपने हमें आ जाते हैं। सोने से पहले हम उस ड्राइवर के बारे में ही बात कर रहे थे, शायद इसलिए तुमको ऐसा लगा कि वो ड्राइवर यहाँ खड़ा है। यहाँ कोई नहीं है, घबराओ मत, अच्छा मैं वॉशरूम होकर आ रही हूँ। प्रिया वॉशरूम में जाती है और प्रिया को भी एक आवाज़ आती है, पहुँच गई ठीक से घर। इस आवाज़ से घबरा के जब वो इधर उधर देखती है तो उसको भी वो ड्राइवर नजर आ जाता है। प्रिया डर के बाथरूम से बाहर भागती है और बाहर से बाथरूम को लॉक कर देती है। वो निकी के पास भागती भी जाती है और उसे बोलती है, निकी उठो चलो यहाँ से, तुमने सही कहा, वो ड्राइवर हमारे घर में ही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो भागती हुई ड्राइंग रूम की तरफ आ जाती है। उन्हें बुरी तरीके से सांस चढ़ जाता है। निकी उसे कहती है, मैंने कहा था ना वो ड्राइवर हमारे घर में ही है, वो हमें घूर के देख रहा था, तुमने मेरी बात पे विश्वास नहीं करा, मगर वो तो गायब हो गया था, वो तुम्हें बाथरूम में कैसे दिखा? क्या अच्छे से तुमने उसको लॉक कर दिया है? प्रिया कहती, हाँ हाँ मैंने लॉक कर दिया है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मेरा फ़ोन कहाँ है? पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को सारी बात बता के घर आने को कहती है। पुलिस के आने तक वो सोफे के पीछे छुप के बैठ जाती है। कुछ देर में घर की बेल बजती है और दरवाज़ा खोलने पर वो देखती है कि दो पुलिस कांस्टेबल उनके घर आ चुके होते हैं। उन्हें सारी बात बताती है कि जब वो मूवी देख के घर आ रही थी तो किस तरीके से वो ड्राइवर उनसे अजीब तरीके से बात कर रहा था। वो कार से उतरना चाहती थी मगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी से उतरने के बाद भी उनको घूर घूर के देख रहा था और किसी तरीके से वो घर के अंदर घुस गया है और प्रिया ने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया है। पुलिस उन दोनों को ड्राइंग रूम में वेट करने को कहती है और खुद बाथरूम में चेक करने के लिए चले जाती है, मगर ड्राइवर उन्हें कहीं दिखता नहीं है। पुलिस वाला बोलता भी है कि जो भी है बाहर आ जाए, वो बच नहीं सकता, सरेंडर कर दे, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। लेडी कांस्टेबल बोलती है कि सर मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, और अगर कोई था तो भाग गया है। दूसरा पुलिस वाला भी यही कहता है कि हाँ यहाँ कोई नहीं है, आओ बाहर चलते हैं। इधर निक्की प्रिया से पूछ रही होती है, क्या लगता है प्रिया, अब तक वो ड्राइवर पकड़ा क्या होगा ना? अब तक तो पकड़ ही लिया होगा। तभी वो देखते हैं पुलिस वाले आ रहे हैं, मगर ये क्या ड्राइवर उनके साथ नहीं है, वो पीछे ही देखती रह जाती हैं। तभी इंस्पेक्टर उन दोनों से कहते हैं, बेटा वो आदमी तो बाथरूम में नहीं है, हमने कुंडी खोल के देखा पर अंदर कोई है ही नहीं, कोई खिड़की भी नहीं है जहाँ से कोई कूद जाए। बेटा आप श्योर हो आपने किसी को बंद किया था? तभी लेडी इंस्पेक्टर उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों को पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने ही किसी को देखा है? तब दोनों बोलती हैं, हाँ वो वहाँ था, पहले कमरे में था, उसके बाद बाथरूम में था, हाँ हमने अपनी आंखों से देखा था, वो हमें घूर के देख रहा था गुस्से से, उसे हमसे बात तक की। उनकी बातें और घबराहट सुनकर इंस्पेक्टर कहते हैं, आओ मेरे साथ आओ। सारे एक साथ बाथरूम में जाते हैं।
इंस्पेक्टर साहब वो यहाँ था, शॉवर वाली जगह पे बिल्कुल सामने। निकी वो मुझे कह रहा था आ गई घर, मैं सच कह रही हूँ वो था यहाँ पे। इंस्पेक्टर लेडी इंस्पेक्टर से कहते हैं इनकी तसल्ली के लिए एक बार अंदर चली जाओ। वो अंदर जाके बोलती है यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, देखो कोई भी नहीं है बाथरूम में। उसके बाद वो उनके बेडरूम में भी जाते हैं। तब निकी बताती है वो यहाँ सामने खड़ा था, मैं लेटी हुई थी और यहाँ सामने खड़ा मैं घूर रहा था, फिर वो गायब हो गया। इंस्पेक्टर उनकी तसल्ली के लिए एक बार कमरे को अच्छे से चेक करते हैं मगर वहाँ कोई नहीं मिलता। उनको समझाते हैं कि बेटा या तो वो आदमी भाग गया है या तुम्हें कोई वहम हुआ है, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, हमने अच्छे से चेक कर लिया है, मगर आपको कोई भी डाउट या परेशानी हो तो फौरन हमें दोबारा बुला लेना। और इंस्पेक्टर उनके घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिया और निकी आपस में बातें करती हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों ने उसको देखा, तुमने उसको बाथरूम में लॉक करा, छोटा सा तो घर है हमारा, आखिर वो गया तो गया कहाँ, बाथरूम में तो कोई खिड़की भी नहीं है जिससे वो कूद जाए। प्रिया तुमने सच में कुंडी लगाई थी ना? हाँ मैंने लगाई थी निकी, और तुम भी तो कह रही हो कि तुमने बेडरूम में उसको देखा था। हाँ मैंने देखा था। दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि पुलिस वालों को कुछ मिला नहीं, वो आदमी कहाँ गायब हो गया एकदम से। ये बात दोनों की समझ से परे होती है कि आखिर वो आदमी गया कहाँ, उन दोनों ने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था और वो कहीं भी नहीं है। तभी प्रिया डरते हुए बोलती है निकी यार तू तो कहती थी जब निकी के साथ डरने की नहीं बात, ये क्या हो रहा है यार क्या करे। तभी अचानक से निकी को एक जोश सा चढ़ जाता है। निकी को ऐसे लगता है कि वो आदमी है तो घर में ही, वो कहीं छुप रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है क्योंकि हम डर रहे हैं, हमारे डरने का ही वो फायदा उठा रहा है। निकी कमरे से बाहर जाती है। प्रिया कहती कहाँ जा रही हो तुम, और वो अपने साथ कुछ सेफ्टी का सामान लेकर आती है। उसके घर में जो भी उसका सामान मिलता है जिससे वो उस आदमी को पीट सकती है वो सब सामान उठा के लाती है। उसको देख के प्रिया को भी जोश चढ़ जाता है। प्रिया भी जाती है और अपनी किचन से कुछ सामान लेकर आती है और दोनों आपस में बोलती है आने दे अब इसको, ये हमें डरा रहा है, ऐसा मारेंगे ना इसको सेट हो जाएगा, हम दो हैं और वो एक, हम उसे क्यों डर रहे हैं। वो अपने कम्बल में सारा सामान छुपा लेती हैं और लेट जाती हैं। वो कुछ देर जागकर उसका इंतजार करती रहती हैं मगर वहाँ कोई नहीं आता, उनकी आँख लग जाती है। तभी अचानक से उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। दोनों उठ के ध्यान से सुनने लगती है किस चीज़ की आवाज़ है। तभी निक्की कहती है आ देखते हैं इसकी टांगे तोड़ते हैं अभी, और वो अपने ड्राइंग रूम में जाती हैं तो देखती है टीवी ऑन होता है। वो पूछती है क्या टीवी तुमने ऑन करा, या हम टीवी देख रहे थे, मुझे तो याद नहीं हमने टीवी कब देखा। निकी टीवी स्विच ऑफ कर चुकी होती है लेकिन तभी अचानक से टीवी दोबारा ऑन हो जाता है और उसमें से एक एक्सीडेंट होने की आवाज आती है। तभी वो आदमी टीवी पर आने लगता है, वो उन्हें अजीब तरीके से देखता है और बोलता है क्या हुआ मैडम, पुलिस ढूंढ नहीं पाई मुझे, या भी मारोगी मुझे चाकू और सामान से जो तुमने कंबल के नीचे छुपाया है। मारा और ढूंढा इंसानों को जाता है, आत्माओं को नहीं। और तभी वो टीवी से बाहर आ जाता है एक बहुत डरावने रूप में, वो बेहद लंबा होता है। उसको देख के दोनों डर के रूम से भागने लगती हैं, वो पीछे की तरफ देख के आगे भाग रही होती हैं लेकिन वो दूसरे कमरे में भी आ जाता है। उसको देखते ही दोनों फर्श पर गिर जाती हैं और बोलने लगती है प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हेल्प हेल्प। और अपने मुंह पर उंगली रखकर कहता चुप चिल्लाओ नहीं, बिल्कुल मत चिल्लाओ, मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ। और वो अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है और उनसे कहता है ये सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता था, मेरी भी बेटी थी तुम्हारी ही उम्र की जिसको मूवीज़ देखने का बहुत शौक था, क्योंकि उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी तो मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, मगर एक डिमांड उसकी बहुत गलत रहती थी, वो लेट नाइट मूवी देखने की जिद करती थी। मैं उसे हमेशा समझाता था बेटा मूवी देखनी है तो दिन में देखो, लेट नाइट शोज मत देखा करो, मगर वो समझने की बजाय मुझसे लड़ना शुरू कर देती थी। एक रात जब मूवी देख के हम वापस आ रहे थे तो कुछ लड़के जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी वो हमारी गाड़ी को फॉलो करने लग गए, वो हमारी गाड़ी के कभी आगे आ जाते थे कभी साइड पे हो जाते थे, उनसे बचने के चक्कर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैंने देखा मैं और मेरी बेटी हम दोनों मर चुके थे। उस रात से आज तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है और मैं हर उस लड़की को समझाना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की बात सुने और इस तरह से रात को अकेले घूमने ना निकले, निकले तो परिवार के साथ निकले, सेफ्टी के साथ निकले। ये हमेशा याद रखना तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे अपने हाथों में है, मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ गई हो। ये बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं, अब उसे डर नहीं रही होती, अब वो समझ चुकी होती है वो क्या उन्हें समझाना चाहता था। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हैं और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।